नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24। इस समय एक मर्चरी हाउस में मौजूद हैं कल्पना चावला के, और यहाँ पर बता रहे हैं कि काछवा जो गांव है वहाँ से एक व्यक्ति जो कि 50 वर्ष जिनका नाम सतपाल है, उन्हें एक स्कूटी चलाने वाला जो है टक्कर मार जाता है, जिसके बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। तो परिवार के लोग हमारे साथ में, और आपसे पहले इस खबर को शेयर करें और बात करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के परिवार से हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी। क्या लगते थे आपके? मेरे चाचा जी लगते थे। कैसे हुआ ये हादसा? जी अपने काम से घर वापसी लौट रहे थे जी, पीछे से एक एक्टिव आई, उसने टक्कर मार दी जी। जैसे टक्कर लगी वो नीचे जमीन पर गिर गया जी। कुछ देर बाद कुछ बंदों ने देखा जी, उसको तुरंत करनाल लेके आया, यहाँ इतना है इतना उसको मृत घोषित कर दिया जी। तो ये खड़े हुए थे रोड पर? ये खड़े चल रहे थे जी, चल रहे पीछे थे। से टक्कर मारी जी उन्होंने, पीछे से टक्कर मारी, पीछे से टक्कर मारी, पैदल चलते हुए टक्कर मारी, फरार हो गया जी। तो कितने लोग थे स्कूटी में, कुछ पता चल पाया? नहीं, ये नहीं पता लगा जी कितने लोग थे, ये नहीं पता चल पाया। नहीं जी, पता लगा जी, अब लगा काछवे से ही हैं। हाँ जी, काछवे से हैं। काछवे से ही हैं। आज पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ जी, अभी पोस्टमार्टम हो रहे हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए तो एफआईआर करवा दी है? हाँ जी, एफआईआर करा दी है। एफआईआर करवा दी है। क्या नाम है मरने वाले का? सतपाल है जी। उम्र 50 वर्ष बता रहे हैं। 50 साल है जी। क्या अपील करना चाहेंगे जिन भी लोगों ने टक्कर मारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगा, जिन्हें भी टक्कर मारी उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो परिवार के कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे फिलहाल? हाँ जी, चले गए जी, बस तो जा चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाए बॉडी? हाँ जी, पोस्टमार्टम हो गया जी, पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। तो यहाँ पर बता दें कि 50 वर्ष के सतपाल जो कि काछवा गांव के अंदर जो है जा रहे थे, और एक स्कूटी जो चलाने वाला व्यक्ति था वो टक्कर मार देता है, लेकिन फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग थे। और बता दें कि अभी पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी को लेकर आए हुए हैं, और फिलहाल जो है FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये टक्कर लगी है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से ड्राइव करने की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो आपसे पहले इस खबर को शेयर करें, और जितने भी लोग हैं यही कहते हैं हमेशा कि गाड़ी को ध्यान से चलाएं, जिस तरीके से आप अपनी भी जान खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी जान जो है वो खतरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो है यही बताया जा रहा है कि अभी पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार को बॉडी सौंप दी जाएगी, और उन लोगों के खिलाफ FIR करवा दी गई है। स्कूटी चलाने के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फिलहाल किसी ने ऐसा देखा हो, प्रयास करते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आसपास जिन्होंने देखा हो ये सब हादसा होता हुआ। किसी ने एक नंबर नोट किया जी, एक्टिवा का जी, एक्टिवा का नंबर नोट कर लिया गया जी, लिखवा दिया जी FIR, फिर तो आसानी से पता चल सकता है जी। बिल्कुल पता लग जाए, पता चल, कुछ पता चला है किस नाम से स्कूटी? कुछ नहीं अभी पता लगा, नंबर है जी इसका HR05BE9854 जी। किस कौन से कलर की थी स्कूटी ये नहीं पता, पता नहीं पता चला किस कलर की है जी। एक्टिवा ही बता रहे जी, स्कूटी है जी, स्कूटी है। हां जी, से टक्कर लगी, सिर पर चोट लगी थी उनको? हां जी, सिर पर चोट लगी है, सिर पर चोट लगी है। परिवार में कौन-कौन लोग हैं उनके? परिवार में 3 लड़कियां हैं जी, 1 लड़का है जी, तीनों मतलब सारे बच्चे अनमैरिड है जी, सभी अनमैरिड है जी। हां जी, ये मजदूरी जिम्मेदारी भी थी जो बच्चे, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर ही थी जी, ये कमा के लाता था जी। क्या करते थे? कली पेंट का काम करते थे जी। अच्छा, कली का काम करते जी, पेंट करने का नहीं जी। जी जी, तो यहाँ पर जो है फिलहाल बात करने का प्रयास करते हैं। सर, मामला एक बार बताएंगे, क्या नाम है आपका? मामला ये हमारे अंकल जी लगते हैं, सतपाल जी। जी जी, ये अपना काम से घर आ रहे थे जी जी, रास्ते में किसी ने एक्टिव वाले ने टक्कर मार दी, किसी एक्टिव वाले ने टक्कर मार दी, सिर जैसे ही लगा ना। हाँ हाँ, 5-4 मिनट पर गाड़ी गुड़ी को आते कि हॉस्पिटल लाए, तो डॉक्टर ने अपना मृत घोषित कर दिया। तो यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी? अब ये क्या कह सकते हैं, वहाँ रास्ते में हुई है या हॉस्पिटल में, लेकिन तो कोई आसपास सीसी कैमरा भी हो सकते हैं जिनसे पता चल पाए? कोई मार्केट के आसपास हुई है या गांव की जो सड़क है? गांव की सड़क थी, सड़क के ऊपर ही हुआ है। तो क्या अपील करना चाहते हैं? अपील तो कुछ नहीं, बस यही है कि हाँ, बच्चों के साथ परिवार के साथ पूरा गांव खड़ा है, और जैसी मदद होगी सारे काम रल मिल के करेंगे आपस। बच्चे आगे जवान है, शादी के लायक भी हैं, स्टडी भी है सारे काम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्चरी हाउस से जो बॉडी है उसे ले जाया जा रहा है, आप एम्बुलेंस में देख सकते हैं सामने, और फिलहाल पोस्टमार्टम जो है उसके बाद। और तस्वीर अगर आपको दिखा दें उस व्यक्ति के, सतपाल जिनका नाम है, तो आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, ये आप तस्वीरों में फ़ोटो देख सकते हैं उस व्यक्ति की जो कि सतपाल नाम है, ये देख सकते हैं आप। तो बता रहे हैं कि स्कूटी वाला टक्कर जो है मार देता है, उसके बाद सिर पर चोट लगती है, और परिवार की जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन कब तक जो है वो लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि नंबर जो है एक्टिवा का वो भी फिलहाल पता चल चुका है, तो पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। और आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे एबिन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24। इस समय एक मर्चरी हाउस में मौजूद हैं कल्पना चावला के, और यहाँ पर बता रहे हैं कि काछवा जो गांव है वहाँ से एक व्यक्ति जो कि 50 वर्ष जिनका नाम सतपाल है, उन्हें एक स्कूटी चलाने वाला जो है टक्कर मार जाता है, जिसके बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। तो परिवार के लोग हमारे साथ में, और आपसे पहले इस खबर को शेयर करें और बात करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के परिवार से हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी। क्या लगते थे आपके? मेरे चाचा जी लगते थे। कैसे हुआ यह हादसा? जी अपने काम से घर वापसी लौट रहे थे जी, पीछे से एक एक्टिव आई, उसने टक्कर मार दी जी। जैसे टक्कर लगी वो नीचे जमीन पर गिर गया जी। कुछ देर बाद कुछ बंदों ने देखा जी, उसको तुरंत करनाल ले गया, यहाँ इतना इतना उसको मृत घोषित कर दिया जी। तो ये खड़े हुए थे रोड पर? ये खड़े चल रहे थे जी, चल रहे पीछे थे। से टक्कर मारी जी उन्होंने, पीछे से टक्कर मारी, पीछे से टक्कर मारी, पैदल चलते हुए टक्कर मारी, फरार हो गया जी। तो कितने लोग थे स्कूटी में, कुछ पता चल पाया? नहीं ये नहीं पता लगा जी कितने लोग थे, ये नहीं पता चल पाया। नहीं जी पता लगा जी, अब लगा काछवे से ही हैं। काछवे से ही हैं। आज पोस्टमार्टम करेंगे? हाँ जी अभी पोस्टमार्टम हो रहे हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए तो एफआईआर करवा दी है? हाँ जी एफआईआर करा दी है। एफआईआर करवा दी है। क्या नाम है मरने वाले का? सतपाल है जी। उम्र 50 वर्ष बता रहे हैं? 50 साल है जी। क्या अपील करना चाहेंगे जिन भी लोगों ने टक्कर मारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूंगा जिन्हें भी टक्कर मारी उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो परिवार के कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे फिलहाल? हाँ जी चले गए जी, बस तो जा चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाएँ बॉडी? हाँ जी पोस्टमार्टम हो जी, पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। तो यहाँ पर बता दें कि 50 वर्ष के सतपाल जो कि काछवा गांव के अंदर जो है जा रहे थे, और एक स्कूटी जो चलाने वाला व्यक्ति था वो टक्कर मार देता है, लेकिन फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग थे। और बता दें कि अभी पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी को लेकर आए हुए हैं, और फिलहाल जो है FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये टक्कर लगी है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से ड्राइव करने की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो आपसे पहले इस खबर को शेयर करें, और जितने भी लोग हैं यही कहते हैं हमेशा कि गाड़ी को ध्यान से चलाएं, जिस तरीके से आप अपनी भी जान खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी जान जो है वो खतरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो है यही बताया जा रहा है कि अभी पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार को बॉडी सौंप दी जाएगी, और उन लोगों के खिलाफ FIR करवा दी गई है। स्कूटी चलाने के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फिलहाल किसी ने ऐसा देखा हो, प्रयास करते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आसपास जिन्होंने देखा हो ये सब हादसा होता हुआ। किसी ने एक नंबर नोट किया जी एक्टिवा का, जी एक्टिवा का नंबर नोट कर लिया गया है, लिखवा दिया जी FIR, फिर तो आसानी से पता चल सकता है जी। बिल्कुल पता लग जाए, पता चल, कुछ पता चला है किस नाम से स्कूटी कुछ? नहीं अभी पता लगा, नंबर है जी उसका HR05BE9854 जी। किस कौन से कलर की थी स्कूटी ये नहीं पता, पता नहीं पता चला किस कलर की है जी। एक्टिवा ही बता रहे जी, स्कूटी है जी, स्कूटी है जी। इससे टक्कर लगी, सिर पर चोट लगी थी? हाँ जी सिर पर चोट लगी है, सिर पर चोट लगी है। परिवार में कौन कौन लोग हैं उनके? परिवार में 3 लड़कियां हैं जी, 1 लड़का है जी, तीनों मतलब सारे बच्चे अनमैरिड है जी, सभी अनमैरिड है जी। हाँ जी ये मजदूरी जिम्मेदारी भी थी जो बच्चे, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर ही थी जी, ये कमा के लेता था जी। क्या करते थे? कली पेंट का काम करते थे जी। अच्छा कली का काम करते जी, पेंट करने का जी जी जी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल बात करने का प्रयास करते हैं। सर मामला एक बार बताएंगे, क्या नाम है आपका? मामला ये हमारे अंकल जी लगते हैं सतपाल जी। जी जी ये अपना काम से घर आ रहे थे जी जी, रास्ते में किसी ने एक्टिवा वाले ने टक्कर मार दी, किसी एक्टिवा वाले ने टक्कर मार दी, सिर जैसे ही लगा ना हाँ हाँ, 5-4 मिनट पर गाड़ी गुड़ी को आते हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टर ने अपना मृत घोषित कर दिया। तो यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी? अब ये क्या कह सकते हैं, वहाँ रस्ते में हुई है हॉस्पिटल में, लेकिन तो कोई आसपास सीसी कैमरा भी हो सकते हैं जिनसे पता चल पाए? कोई मार्केट के आसपास हुई है या गांव की जो सड़क है? गांव की सड़क थी, सड़क के ऊपर ही हुआ है। तो क्या अपील करना चाहते हैं? अपील तो कुछ ही नहीं, बस यही है कि हाँ बच्चों के साथ परिवार के साथ पूरा गांव खड़ा है, और जैसी मदद होगी सारे काम गले मिल के करेंगे आपस, बच्चे आगे जवान है, शादी के लायक भी हैं, स्टडी भी है सारे काम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्चरी हाउस से जो बॉडी है उसे ले जाया जा रहा है, आप एम्बुलेंस में देख सकते हैं सामने, और फिलहाल पोस्टमार्टम जो है उसके बाद। और तस्वीर अगर आपको दिखा दें उस व्यक्ति की, सतपाल जिनका नाम है, तो आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, ये आप तस्वीरों में फ़ोटो देख सकते हैं उस व्यक्ति की जो कि सतपाल नाम है, ये देख सकते हैं आप। तो बता रहे हैं कि स्कूटी वाला टक्कर जो है मार देता है, उसके बाद सिर पर चोट लगती है, और परिवार की जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन कब तक जो है वो लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि नंबर जो है एक्टिवा का वो भी फिलहाल पता चल चुका है, तो पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। और आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे एबिन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय।